नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, अब बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट नज़दीक आने लगी है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th के जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो आपके 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स में आपके जो 16 चैप्टर हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का ब्लूप्रिंट बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा यूनिट और कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसे आप ज़रूर दबा दें और उसी के बाजू में एक बेल का आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्योंकि दोस्तों हम एमपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट अपने चैनल पर डालते हैं तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहे, इसलिए बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों 2019 जो क्लास 10th और 12th दोनों का ही ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया एमपी बोर्ड साइंस 10th क्लास का ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका साइंस है टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें 5 आपके यूनिट हैं और 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल के इसमें मिलेंगे। दोस्तों चाहें तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर हम जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको इसके लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो जो आपका पहला यूनिट है जो कि केमिकल लिक्विड्स नेचर एंड बिहेवियर, इससे आपसे आपके टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड जो कि आपका बायो का यूनिट है लिविंग वर्ल्ड, इससे 24 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड नेचुरल फेनोमेना, इससे 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो लास्ट आपका यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेस, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने दोस्तों यहाँ पर आपके पहले यूनिट में थर्ड वाला जो आपका चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उससे 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल से। फिर बायो में जो आपका चैप्टर है थर्ड वाला हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इससे 1 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर आपका जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है उससे 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से आपके 3 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर बात की जाए जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट से एक क्वेश्चन आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लाइफ प्रोसेस से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। इसी तरीके से 1 4 मार्क्स का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उससे 1 क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क्स का। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से 2 और 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव की तो जो 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे दोस्तों आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट से 2 ऑब्जेक्टिव आने जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑब्जेक्टिव आपके लाइफ प्रोसेस जो कि बायो का चैप्टर इससे आने हैं। इसी तरीके से बाकी फिर 2 2 और 1 1 आपको दिए हुए हैं MCQ। इस तरीके से कुल आप देख सकते हैं आपके 20 MCQ आएंगे और जो 2 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। 3 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन हैं जो कि इस तरीके से 15 नंबर हो जाते हैं और 4 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन हैं। वहीं अगर 5 मार्क्स की बात की जाए तो सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके टोटल 15 मार्क्स के हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला आप चैप्टर देख सकते हैं केमिकल लिक्विड नेचर एंड बिहेवियर, इसके अंदर आपके 5 अलग अलग चैप्टर आते हैं जो कि आपका टोटल 25 मार्क्स का हो जाएगा। तो दोस्तों ब्लू प्रिंट है, आप इसको देख लीजिए, इसके हिसाब से अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका सबसे लास्ट वाला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इससे सिर्फ आपका 1 क्वेश्चन आएगा जो कि आपका सिर्फ 1 ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं जो आपका जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। दोस्तों ये आपका हिंदी वाला वर्जन है जो कि एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, इसमें आपके पूरा हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।